यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फोर्स सेल सिमुलेटर। तो आज के सली वीडियो में ना मैंने अपने लिए एक चैलेंज लिया। तो आप लोग को पता ही होगा कि अपना टेक्नो मोटर्स शोरूम जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बट जब से मैंने शोरूम बनाया ना, आज तक मैं शोरूम को गाड़ियों से पूरा भर नहीं पाया हूं। हाँ, वो बात अलग है कि यहां पर मैंने हर टाइप की गाड़ियां लाकर बेची है, पोर्शे, मस्टैंग, निसान जीटीआर, लैम्बोर्गिनी, फरारी, सब कुछ। बट आज अपना चैलेंज ये है कि मुझे अपने शोरूम को गाड़ियों से पूरा भर देना है। मतलब इतनी सारी गाड़ियां लाकर खड़ी करनी है कि पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए शोरूम में। हाँ, मुझे मालूम है उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और अभी गेम में मेरे पास है ठीक ठाक पैसा है, कम भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है। बट हाँ, चैलेंज बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। क्या लगता है, आप लोगों को कंप्लीट होगा या फिर नहीं, कमेंट्स में जाके अभी से ही बता दो। जो लोग भी चैनल पर न्यू है उनसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे जल्दी से दबा दो, क्योंकि हम लोग 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है। चलो भी टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से चलते अपने शोरूम पे, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू कार फोर सेल्स लेटर। तो जैसे कि आप लोग को याद होगा कि रिसेंटली मैंने एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदी थी, ये निसान जीटीआर, और इस गाड़ी को लेने के चक्कर में ना अपना बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। भाई, आज मैंने अपने शोरूम को भरने का क्या सोचा, मेरे पास 1600 डॉलर्स है बस। ठीक है भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, सबसे पहले हमें थोड़ा पैसा कमाना होगा, क्योंकि भाई अगर शोरूम भरना है तो पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स गो, निसान जीटीआर भगाते हुए आराम से। हाँ तो गाइस, मेरी प्लानिंग पता है क्या है कि अपने को ना शोरूम भरने के लिए जरूरी नहीं है सिर्फ लग्जरी कार लेनी है, हमें बस गाड़ियों से शोरूम भरना है। इसका मतलब मैं सस्ती सस्ती गाड़ियां भी खरीद सकता हूँ, और वैसे भी नेबरहुड में तो भाई सस्ती गाड़ियों का पूरा भंडार हमेशा लगे ही रहता है। बाकी ठीक है, फुल बूस्टर मारते हैं। ओ, आराम 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 से गई, बच गए। ठीक है भाई, बहुत सही। अभी भाई भिड़ना प्लीज नहीं, अभी पैसा वैसे ही नहीं है, अपने पास गाड़ियों की कमी है। बट पता सीन क्या है, जितनी गाड़ियां है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कार है। अगर मैं इस गाड़ी को बेचना चाहूँ तो मैं आराम से 1.4 मिलियन डॉलर्स अर्न कर सकता हूँ। और गैराज में अपने पास मस्टैंग खड़ी है, BMW खड़ी है, सुप्रा खड़ी है, ऑडी टीटी खड़ी है, एक और ऑडी टीटी खड़ी है, और ये सारी गाड़ियां ना बिकने के लिए लगी हुई है। तो मैं फटाफट से ना चल के शोरूम ओपन कर देता हूँ, ये सारी गाड़ियां बिक जाएगी तो अपने पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, और उन पैसों से जाकर मैं सस्ती सस्ती गाड़ियां खरीद के लाऊंगा। और शोरूम में ना हम लोग खड़े होने की जगह नहीं छोड़ेंगे, इतनी सारी गाड़ी खरीदनी है, भर दूंगा आज मैं अपना पूरा का पूरा शोरूम। नीचे वाला फ्लोर तो वैसे इजीली भर सकता हूं, बट ऊपर वाले पे, अरे बाप रे, बहुत सारा स्पेस खाली है भाई, यहां पे तो गाड़ियों का भंडार लगने वाला है। चलो 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 ठीक है। वैसे अगर अभी पैसों का जरूरत है ना, तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मस्टैंग और अपना ये ब्लैक वाला कार और ये सुप्रा भी बेच देते हैं। हाँ, मैं गाड़ियों का कलेक्शन कर रहा हूं, बट ये चैलेंज के लिए मैं सबसे कुर्बानी कर सकता हूं। अगर जरूरत पड़ी पैसों की तो मैं निसान जीटीआर भी बेच दूंगा, बट मुझे मालूम है इसको अगर बेचा तो तुम लोग मुझे डांटने वाले हो, तो इसको नहीं बेचते हैं फिलहाल। अभी जल्दी जल्दी से बात करते हैं, जो लोग गाड़ी खरीदने आए हैं। 80,000 डॉलर का एक कार में बेच रहा हूं, लाया 26,000 का था। आंटी 40,000 में लेने आई है, बट आप एक काम करो आंटी, 48,000 में ले जाओ फटाफट से, ठीक है? प्लीज बाय कर लेते यार। देखो आंटी, ज्यादा नहीं, मेरे पास बार्गेनिंग का टाइम है, तो आप अपने घर जा सकते हो। हाँ यानी मस्टैंग खरीदने के लिए आया भाई, लॉर्ड मस्टैंग। ओके, 48,000 डॉलर की मैं खरीद के लाया था, और मैं इसे 1,00,000 का बेचना चाहता हूँ, और ये 38 दे रही है। चल वापस चल। आजकल मैं बंदे को रिजेक्ट बहुत कर रहा हूँ भाई इस गेम में, जो आ रहा है सीधा घर, क्योंकि अपने को भाई जो डील चाहिए वो अच्छी चाहिए। क्या हो गया भाई, हेलो पागल है क्या, 48 की गाड़ी लेकर आया हूँ, महंगी ले रहा है। अंजी आंटी आप बताओ, टोयोटा सुप्रा 1,25,000 की मैं बेच रहा हूँ, आप 1,10,000 की ले लो। 94 नॉट बैड, 58 के लिए मैं लाया था, 1,10,000 डालता हूँ सीधा, कभी कभार कोई कस्टमर होते हैं ले लेते हैं। 1,10,000 खरीद ले भाई। यस, फर्स्ट कार आज हमने बेच दी, बहुत सारा पैसा आ गया। नेक्स्ट मस्टैंग। हाँ जी भाई, अपने को ना सस्ती गाड़ियां खरीदनी है, इतना अपना टारगेट है, तो ये महंगी गाड़ियां निकालते हैं, नहीं बेचनी भाई। एक काम करता हूँ, बहुत दुख हो रहा है काम करते हुए, बट अभी करना पड़ेगा, पैसों का बहुत जरूरत है। तो जो मेरी ये सारी गाड़ियां ना फियाट वगैरह, ये भी मैं बेच देता हूँ, इसे 4,00,000 डॉलर का डाल देता हूँ, 1,80,000 की, क्योंकि मैं लाया था, और बहुत मस्त गाड़ी है भाई वो। मस्टैंग ऊपर जो अपनी खड़ी है इसको भी हम लोग डाल देते हैं 80,000 डॉलर का, और एक सुप्रा ऊपर अपनी पर्सनल वाली खड़ी है, ये भी डाल देते हैं 1,25,000 डॉलर की। डन भाई, सारी गाड़ियां बिकने के लिए लगा रखी है। इस टाइम पर अपने पास बहुत कुछ है भाई। बाय द वे, आज कार ऑक्शन भी है, तो वहां पे भी चल के देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियां बिक रही है। ऑडी टीटी का कस्टमर आया, 41 दे रहा है, 45,000 डॉलर की ले जाओ भाई, जल्दी से यार, बहुत पैसे इकट्ठा करना है, खरीद ले भाई तू, आई होप तू खरीद लेगा। यस लेगा। नेक्स्ट आप बताओ, ऑडी टीटी 18,000 की लाया था भाई, टिकट आई एम लीविंग ना, 38 तो दे रही है, एक सेकंड रुक जा तू, वेट कर, मैं इससे बात कर लेता हूं। दो कस्टमर यहां पे भी, सबसे पता करना चाहिए भाई। 42 नॉट बैड, बहुत ही ज्यादा बढ़िया डील मिली है मुझे। 39 नहीं, तुम सब निकलो, मैं इसको बेच रहा हूं। ओबे वेट एक सेकंड, कस्टमर कितने सारे आए हैं, तू भाई जल्दी से ये गाड़ी 40
7 की ले जा फटाफट फटाफट। यस वेरी गुड। ये देखो भाई लाइन से पूरी फैमिली आई है भाई गाड़ी खरीदने, ऊपर महंगी महंगी गाड़ियां लगाई है ना हमने बिकने के लिए। बाकी ये है फियाट की अबर्थ 4 लाख डॉलर की डाली है। अपने पास 2 लाख डॉलर ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हैं। मेरा टारगेट है पहले 1 मिलियन डॉलर इकट्ठे करते हैं। ये 3 लाख समथिंग दे रही है बट नहीं मुझे और महंगी बेचनी है भाई। जो बंदा ये गाड़ी मुंह बोले प्राइस पे लेगा ना मजा आ जाएगा। 2,79,000 ठीक है। और आप कितने की खरीद रहे हो? मैं गाड़ी 1.5 लाख डॉलर की लाया था। और नहीं यार अभी मैं एक काम करो, क्या आप इस गाड़ी को 3,50,000 डॉलर में लोगे? इतना तो ऊपर नहीं जाएगी ये भाई, बट ट्राई करते, नहीं जा रही है। आप बताओ मैम। भाई इस गेम में लड़कियां बहुत ज्यादा आती है गाड़ियां खरीदने, लड़कों से ज्यादा लड़कियों को शौक है भाई इस गेम में गाड़ी खरीदने का। 3,30,000 में गाड़ी में बेचना चाह रहा हूँ, खरीद ले भाई प्लीज। ओके नाइस, बिक गई भाई। 1.5 लाख डॉलर की गाड़ी मैंने डबल प्राइस से भी ज्यादा में बेच दी। अपने पास अभी 5,33,000 इकट्ठे हो चुके हैं। ये गाड़ी 48 की लाख। भाई क्या इस मस्टैंग में कोई दिक्कत है क्या? इसका पेंट वेंट अच्छा नहीं है क्या भाई? कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा है। 48 की मैं लाया था, बंदे ऑफर करते हैं 40,000 38,000, पागल समझेगा। हाँ हो, ऊपर तो बहुत सारे कस्टमर है। पहले अपनी रेड वाली मस्टैंग जो कि बेचने का बन बिल्कुल भी नहीं है बट बेच देते हैं, पैसा चाहिए भाई। हाँ 29 की लाया था, 53 दे रहा है, 60,000 में ले जा भाई फटाफट से प्लीज, टाइम वेस्ट मत कर जल्दी खरीद ले। वाओ बिक गई। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फियाट की अबर्थ हमें बेचनी है। थोड़ी सी डैमेज्ड है यार, मैंने कहीं ठोकी होगी शायद। 2,53,000 नहीं 3,50,000 की तो भी मैं बेच के आया नीचे। और ये वाली तो मैंने 1,80,000 की खरीदी थी, तो 2,36,000 बिल्कुल नहीं भाई, 3 लाख से कम की तो नहीं बेच रहा मैं। हल्की सी डैमेज है, तुम रिपेयर करवा लेना वरना मैं रिपेयर करा के बाद में बेच दूंगा। यस ये आना कस्टमर, तू ले ले 3,40,000 का। ठीक है लेट्स गो भाई, हम बेच रहे हैं इस गाड़ी को। और बिक गई 9,33,000, ऑलमोस्ट 1 मिलियन डॉलर इकट्ठे हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं बेच रहा हूँ सुप्रा, 60,000 डॉलर की खरीद के लाया था, 125 की भाई। 88 बेकार डील है, तू सीधा चले जा यहाँ से, 1 लाख से नीचे बात नहीं होगी इस गाड़ी के लिए। अरे पागल, उसको ज्यादा वेट करा दे, हमने बेइज्जती कर रहे। ओके थोड़ा अच्छा कस्टमर है, 1 लाख से ऊपर तो ये मुझे दे देगा। बाकी आप बताओ मैम। 1,25,000 डॉलर 96। आप एक काम करो, क्या आप इस गाड़ी को 1,15,000 डॉलर का, नहीं 20,000 डॉलर का लोगे? दो बार ट्राई करते हैं, 20 से फिर थोड़ा नीचे आएंगे। ओके नहीं तो तू थोड़ा सा वेट कर, क्या पता ये ले ले 1,20,000 का। मिलियन डॉलर इकट्ठे होने वाले हैं भाई, लेट्स गो। 1,20,000 खरीद ले भाई प्लीज खरीद ले। ओके नहीं तू अब एक काम कर, तू घर जा, नहीं बेचनी तेरे को। अरे दूसरा वाला कस्टमर भी घर चला गया, मुझे लग रहा था उसको बेच दूंगा। सर सर अरे मजाक कर रहा हूँ, आप तो सीरियस हो गए यार, रुक जाओ भाई, छोड़ो यार तू जा यहाँ से, मैं तो यहाँ से नीचे जाऊंगा। ये ले मेरा शोरूम है, मैं जहाँ से भी जाऊँ। ओहो ये मस्टैंग के लिए भाई, आज तो रहे कस्टमर पर ले नहीं रहे कोई। मैं यार 48,000 की मस्टैंग ना आज के बाद कभी नहीं खरीदने वाला। जा भाई, पूरी ठीक गाड़ी है, खरीदने कोई राजी नहीं है कोई। मेरे को ऐसा लग रहा है इसका जो कलर है ना वो बहुत घटिया है। ओ वाओ फाइनली एक ऐसा कस्टमर कि एटलीस्ट मुझे इतने पैसे दे रहा है जितने की मैं गाड़ी लेकर आया था। हाँ जी मैम आप बताओ, 1 लाख डॉलर का कार है, प्लीज इसकी कुछ तो रिस्पेक्ट करो। 46 नहीं 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 कर रहे भाई तुम लोग रिस्पेक्ट। वैसे अभी ना थोड़ी देर में रात होने वाली है, मेरा प्लान तो ये था कि आज ही हम लोग काफी सारी गाड़ियां खरीदना स्टार्ट कर देंगे, बट नहीं जल्दबाजी नहीं, मुझे सस्ते से सस्ती गाड़ियां खरीदनी है क्योंकि शोरूम ना पूरा भरना है। तो जितना यहाँ पे स्पेस है ना महंगी महंगी गाड़ी खरीद के लाएंगे ना तो कभी नहीं भरने वाला, उसके लिए बहुत ज्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा। बाकी सुप्रा के लिए एक और कस्टमर आ चुकी है। हाँ जी मैम, भाई गाड़ी बहुत कम चली है और बहुत अच्छी गाड़ी, जाए यार यहाँ से। हाँ नहीं तो 1 लाख के दो कस्टमर रिजेक्ट करें, मैंने ये 89 लेकर आई है। ओके वाओ नीचे मस्टैंग के लिए दो और लोग आए हैं। हाँ जी मैम खरीद लो यार इसको कोई तो, 80,000 का। 49 एक काम करो, रुक जाओ तू वेट कर, तू बता। मैनुअल गियर है। ओ वाओ फाइनली 51 दिए किसी ने। अब आप एक काम करो, 57,000 देके ये गाड़ी मेरे आंखों के आगे से हटाओ, मुझे वो बिक गया, लेट्स गो। थैंक यू, पहला कस्टमर है जिसको दिल से थैंक यू बोलने का मन कर रहा है। वो गाड़ी मेरे सर पे भाई बोझ बन गई थी, बिकी नहीं रही थी। ओके सर आप नीचे कहां देख रहे हो? मतलब ये देख रहे हो इस बंदे को आया यहां पे देख रहे हैं निसान जीटीआर। हां जी भाई प्लीज इस गाड़ी को 1 लाख से ऊपर का ले ले प्लीज। 92 1 लाख 10,000 का लेगा शायद, खरीद लेगा ये, अमीर लग रहा है। अच्छा भाग ऐसे आदमी, भाई अंधेरा होने वाला है कुछ ही देर में। ये लास्ट कस्टमर है आज अपनी ऑफिस की, और अगर इसने एक बढ़िया डील दे दी, आई मीन डील तो इसे मैं दे रहा हूँ बट हाँ इसने बढ़िया पैसे दे दिए, अमीर हुई तो भाई मजा आ जाएगा। क्योंकि अभी ना अपने पास 9,90,000 डॉलर है, पूरे 1 मिलियन डॉलर नहीं है, बट हाँ यार 9 लाख डॉलर में बहुत सारी गाड़ियां आ जाएगी जो कि मैं इस शोरूम में ला के खड़ी कर सकता हूँ। आई नो बहुत बड़ा शोरूम है, ला के खड़ी करने में बहुत थक जाऊंगा मैं, बट स्टिल मजा बहुत आने वाला है। हाँ जी मैम आप बताओ, गाड़ी 1,25,000 नहीं घर जाओ। बाकी हाँ मैं ये सोच रहा था कि ना कल गाड़ी बार बार ऊपर लाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो मैं अपने ऑफिस में ना 2 लिफ्ट लगा दूंगा, एक लिफ्ट इधर है एक लिफ्ट इधर भी लगा देंगे। बाकी एक कस्टमर और आया भाई, आजकल क्या हो गया, रात में आ रहे बंदे गाड़ियां खरीदने। प्लीज भाई 1 लाख प्लीज,
87 नहीं यार, मैं बाद में बेच दूंगा। अच्छी गाड़ी है भाई, वो 1 लाख डिजर्व करती है। चलो भाई अभी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट से हम लोग चलते हैं घर पे। कल बहुत सारी गाड़ियां लेकर आनी है। निसान जीटीआर यहीं पे खड़ी करे, रहने देते हैं, चलते सीधा घर। लेट्स गो भाई, सोने चलते हैं। कल के दिन तो भर के शॉपिंग है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं असली मजे। अभी तक मैं इस गेम में बस महंगी गाड़ियां ढूंढता था, बट आज मैं एकदम सस्ती सस्ती गाड़ियां ढूंढने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे एक टेस्ला बिक रही है जो कि शायद से महंगी होगी यार। कितने की है? अरे 55। ना 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 ना, अभी तो पैसा ही नहीं अपने पे। सस्ती गाड़ी दे दो प्लीज, सस्ती गाड़ी 5-10,000 डॉलर वाली। हेलो मैम, ये खच्चाड़ा गाड़ी कितने की बेच रहे हो आप? अरे वाओ 9,000, लेट्स गो। आप इसे मुझे दे दो 7,500 का, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं, जल्दी से। बिक जाएगी, लेट्स गो, बढ़िया, थैंक यू। एक गाड़ी मिल चुकी है भाई, मैं कैसी कैसी गाड़ी खरीदूंगा ना आज, तुम डरने वाले हो। ओहो, क्या ही घटिया साउंड है भाई, बट कोई बात नहीं। एक सेकंड, अपना अगर हमें शोरूम भरना है तो हम वैसी गाड़ी खरीदते ना जो स्पेस ज्यादा ले। देखो ये ट्रक बहुत बड़े साइज का, इसको खरीदते है ना। कितने का बेच रहा भाई? तो मैंने कभी ट्रक 4,000 ला भाई, ला ला ला, तू मेरे को ये बेच दे 2,500 का। वैसे इतना नीचे तो नहीं जाएगा, 2,900 का दे दे भाई, तू भी याद रखे। ओके नाइस, बिक गया भाई। भाई इसमें बच्चा ज्यादा बार्गेनिंग हो गया। हाँ कोई बात नहीं, ले ले तू 32। अरे यार ये ले भाई, तू 3,500 ले ले, दिमाग मत खराब करियो अगली बारी। ओके हमें ट्रक मिल चुका भाई, ट्रक पहली बारी। इस गाड़ी को भेजो टो करवा के सीधा शोरूम पे, और अभी हम लोग ट्रक में बैठ के घूमने वाले भाई, मस्त एकदम। क्या भाई खतरनाक है, मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ ना ट्रक। अरे बापरे भाई, ये तो बहुत ही बेकार है, मतलब इतना ज्यादा बड़ा है ये, पूछो मत। अरे रुको 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 रुको, मेरा मन ही नहीं कर रहा चलाने का, मेरा मन ही नहीं है। मैं उतर रहा हूँ भाई, इसका इंजन ऑफ कर देता हूँ और इसको भेज देते हम लोग ऑफिस में। बाकी यहाँ पे एक मर्सिडीज बी क्लास है, अच्छा नहीं दूसरी गाड़ी है कोई, 21,000। देख भाई 15 का दे रहा है तो बात कर, ठीक है जल्दी से ले लूंगा मैं, बढ़िया कस्टमर हूँ तेरा। ओके थोड़ा सा हाई करने आ रहा है, 18 ले ले भाई तू, थोड़ा हाई, अभी इससे ज्यादा बहुत ज्यादा ही कर दिया ऑलरेडी। यस थैंक यू, ये गाड़ी तो रिपेयर होने जाएगी तो। अरे मैंने गलत जगह टो करा दी, रिपेयर करवानी थी। तीन गाड़ी हमने खरीद लिया, अभी भी अपने पास 9,60,000 डॉलर बचे हैं। बहुत सारी, आज पूरा नेबरहुड खरीद दूंगा सिर्फ महंगी गाड़ियां छोड़ के। ओके ये कोई तो कार अच्छी दिख रही है अभी, मतलब नहीं बस सस्ती होनी चाहिए। हाँ जी 12,000, यही तो लेने आया हूँ मैं, लाओ 8,500 की एक बार में, बेस्ट डील प्लीज। अरे यार सस्ती गाड़ियां ना ज्यादा बार्गेन नहीं कर पाते, 9,000 में भी नहीं होगी यार। तो एक काम करता हूँ, ये 12 बोले ना, तो एक काम कर 10,000 प्लीज, अभी अभी ड्रामा नहीं यार, दे दे। ओके ठीक है, थैंक यू, मिल गई गाड़ी, इसको चलाते हैं। ओहो हो भाई ये गाड़ी तो थोड़ी सी क्रेजी है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़ी सी है। चलो इसको यहीं पे पार्क करता हूँ 2 मिनट, क्योंकि सामने एक और अच्छी गाड़ी दिख रही है, होंडा CX। ओके 8,000 चाहिए मुझे प्लीज। अच्छा ठीक है आ गया। चलो ये गाड़ी भी हम लोग टो नहीं करवा सकते भाई, अभी शोरूम पूरा भर चुका है पता है। अभी एक बार ही ना पहले शोरूम जाके मुझे ठीक करना पड़ेगा सीन। पिवट की एक गाड़ी है 2,000 की भाई, ला तू इसे मेरे को दे दे 2,200 का। कितनी सस्ती सस्ती गाड़ियां खरीद रहा हूँ भाई मैं, ना ना ना। ये वाली गाड़ी भी आ चुकी है, इसे भी लेके जाना है भाई खड़े करने। इतनी सारी गाड़ियां, मेरे को लग रहा है मुझे एक बार ऑफिस जाके सारी गाड़ियां ऑफिस के अंदर करनी चाहिए। ये कोई और गाड़ी है, लोड एस्कॉर्ट पता नहीं कौन सी है, बट 16,000 के तो ये ले लेते हैं हम लोग 13,500 में। ओके थैंक यू भाई, हम लोग ना सच में पूरा नेबरहुड खरीदने वाले हैं भाई आज, पूरा ही। पैसा ही इतना सारा है भाई, क्या करे इस गेम में अपने पास। ओ वाओ ये कौन से BMW भाई, ओल्ड 1985 सीरीज, 11,000 की मिल रही है, 9,500 की बेच देगी, इससे कम नहीं जाएगी। ये इतने पे भी देते बहुत बड़ी बात है भाई, थैंक यू। चलो भाई आज तो भाई बहुत गाड़ियां हो गई है। सुनो अभी ना एक काम करते हैं, पहले इस गाड़ी में रुको रुको रुको, इस गाड़ी को तो रिपेयर करवा देता हूँ ना। यस इसको रिपेयर पे भेज दिया है। आज बाय द वे ऑक्शन है 4 बजे, तो वहाँ पे भी चल लेंगे हम लोग। जितनी गाड़ियां पॉसिबल थी आज मैं खरीद सकता था मैंने सारी खरीद ली है, एक दो और बची वो भी बाद में आके देख लेंगे। फिलहाल मुझे अभी इस गाड़ी को लेकर जाना है शोरूम पे, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां मैंने खरीदी है ना वो शोरूम के बाहर खड़ी है, उन सबको शोरूम के अंदर करना है ताकि शोरूम के बाहर जगह बन जाए और मैं बाकी गाड़ियों को टो करवा पाऊँ। बहुत बढ़िया हो जाएगा यार, मेरी गाड़ी तो सच में इतनी ज्यादा स्लो है ना, इतनी ज्यादा स्लो है। वैसे हाँ यार ये स्लो नहीं है, निसान GTR बहुत फास्ट है इसलिए बहुत स्लो लग रही है, क्योंकि ये भी 100 किलोमीटर तो जा ही रही है। ओके ठीक है ऑक्शन है, ऑक्शन में पता कर लेता हूँ यार कौन कौन सी गाड़ियां आ रखी है, क्या पता कोई रेयर कार हो तो लेके उसे बहुत महंगे में बेच के पैसा इकट्ठा हो जाएगा यार सही। ओके यहाँ पर एक कोई तो घटिया कार है, नेक्स्ट देखते हैं। ओ भाई ये कोई बीटल बिक रही है, नेक्स्ट भी। अरे यार कोई बढ़िया कार नहीं मिल रही, आज आ जाएंगे ऑक्शन में एक बार अगर सस्ती गाड़ियां हुई तो। भाई वेट यार, सुबह से अभी तक सुपरा के कस्टमर आ रहे हैं, ये तो हम लोग भूल ही गए थे। कोई बात नहीं चलते हैं। फिलहाल अभी गाड़ियां पार्क करना चालू करता हूँ मैं, तो पहले लगाएंगे हम लोग गाड़ी लेफ्ट में बस। अरे अरे ये तो गाड़ी गोल घुमा देगा, रुको एक काम करता हूँ आज के लिए ना इसको डिलीट कर देता हूँ, तो मुझे जाना होगा ऑफिस एडिट मोड में। ऑफिस एडिट मोड, ओके मुझे उसके लिए ऑफिस क्लोज करना पड़ता है, तो चलो एक बारी सुपरा के जो कस्टमर आया पहले उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद ऑफिस क्लोज कर देंगे। हेलो कैसे हो सब लोग, 1,25,000 खरीद लो यार इस गाड़ी को, इतना दिमाग खराब करो 93 ना, 2 मिनट वेट कर। हाँ जी आप बताओ, अब इन तीनों में से जो बेस्ट प्राइस देगा उसकी गाड़ी हो जाएगी। 92,000 नॉट बैड,
आप बताओ। अरे फिर तू ही बता रहा है, तू बता भाई। अब एक के अंदर एक घुसके को खड़े हो तुम, इनको बेचूंगा मैं 1,08,000 का। अरे 80 नहीं 8,000 खरीद लो प्लीज, ये बहुत सस्ती बेची है मैंने। हाँ थैंक यू। चलो भाई सारी गाड़ी बिक गई, अपने पास 1 मिलियन से भी ज्यादा डॉलर्स हैं। और हाँ जैसा कि मैंने बताया था अपना चैलेंज है, मुझे अपना ऑफिस पूरा भर देना है कम्प्लीटली। अभी ऑफिस भरने के लिए ना अपने पास टाइम है, मैं सोच रहा हूँ एक बार ऑक्शन, चलो छोड़ो ऑक्शन नहीं जाते यार। हाँ तो अभी मुझे जाना है ऑफिस एडिट मोड में। तो ये सारी चीजें जो कि मुझे डिलीट करनी है आज के लिए, एक ये हो गया, एक ये वाला फ्लोर हो गया, ये भी डिलीट कर देते हैं। और इसको डिलीट करने के लिए यार मुझे गाड़ी हटानी पड़ेगी, जो कि मैं उससे नहीं हटा पाऊंगा, मुझे खुद जाना पड़ेगा गाड़ी में बैठने के लिए। भाई सच में यार अपना शोरूम बहुत ज्यादा बड़ा है, भरते भरते टाइम तो लग जाएगा। कोई बात नहीं, एक जगह हमने ये गाड़ी खड़ी कर दी है। ऑफिस एडिट मोड डिलीट, सो बेटर डिलीट डन। भाई फर्स्ट फ्लोर तो आई मीन ग्राउंड फ्लोर पूरा खाली कर दिया है। और गाड़ी में ना गैप नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने बात करी है भाई हम लोग बहुत गाड़ियां लाने वाले हैं, तो एकदम चिपका चिपका के खड़ी करेंगे। हाँ मतलब इतनी जगह हो कि मैं एटलीस्ट गाड़ी में जाके बैठ पाऊं भाई। ये क्या हो गया, ये देखो कितना कम गैप में खड़ी करी है कि मैं उतरा तो ऑफिस के बाहर ही आ गया। चलो 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 नेक्स्ट कार, नेक्स्ट कार, टाइम नहीं है। ये मर्सिडीज का वी क्लास है, इसको लेफ्ट साइड पे लगाते हैं भाई। ये देखो एकदम चिपका के लगाया जाएगा भाई, बढ़िया। बस दो गाड़ियां आ चुकी है भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने गलत ही चैलेंज ले लिया भाई, गाड़ी लाते लाते तो रात हो जाएगी। यहाँ पे दो गाड़ियां रिपेयर पे लगवाई थी मैंने, इसे जल्दी से रिपेयर करो ना, क्योंकि ये अपनी रिपेयर हो चुकी है। और ये वाली तो भाई, ओ भाई ये फियाट है भाई, अपनी ये वाली जो फियाट की कार है ये तो मुझे बेचनी है। ओए बच गई ये वाली गाड़ी, भी टेम्परेरी पार्क कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी है, इसको बेच देते हैं, इससे बहुत पैसा आएगा, उससे 4-5 गाड़ियां और आ जाएंगी। वेब पेज हमें बेचनी है फियाट की, ये वाली गाड़ी 4 लाख की ये भी। बाकी हाँ आज जितनी भी गाड़ी खरीदी है फटाफट से उन्हें लेकर आते हैं, भले ही रात हो रही हो बट हमें तो भाई बहुत सारा काम करना है। पीछे एक ट्रक है और यहाँ पर एक छोटा वाला गाड़ी है, तो इस वाली गाड़ी को मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे लगा देता हूँ। बढ़िया, तो भाई कैसे भरने वाला भाई लाइन से गाड़ियां जब लगेगी मस्त। तो भाई ये है भाई ट्रक, ये बहुत ज्यादा स्पेस घेरेगा, इसको ऊपर वाले फ्लोर पे भेजते हैं, नीचे गंदा दिखेगा। बढ़िया, चल भाई तू अपना ऊपर जा, मैं तेरे को बाद में आके एडजस्ट। अरे 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 आराम से। अरे ओ भाई भाई पहुंच गया। अरे भाई ये लिफ्टर खराब है भाई, देख के आता हूँ भाई कुछ खराब वराब तो नहीं हुआ ट्रक में। ये क्या है, सुनो ये एक ही ट्रक है तो इसको एक कॉर्नर में ले जाके खड़े कर देते हैं, मैं ट्रक नहीं खरीदने वाला यार, इससे शोरूम की ना थोड़ी इज्जत गिरेगी भाई। चलो भाई ये ट्रक पार्क कर दिया, अभी और भी गाड़ियां लेकर आनी है, इसको भेजो नीचे। अभी तो समझ लो हाफ काम ही डन हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। रात भर तो बस मैं गाड़ियां इधर ट्रांसफर करते रहूंगा। नेबरहुड पहुंच चुका हूँ, बट जितनी भी गाड़ियां मैंने कल खरीदी थी पहले उन्हें उधर भिजवा देता हूँ, और नेक्स्ट मॉर्निंग में और 4 नई गाड़ियां खरीद लूंगा। तो ये वाली भी भिजवा देते हैं 1 पे, ये वाली भिजवाते हैं 2nd टो पे, ये वाली भिजवा देते हैं, एंड ये लास्ट कार है ये भी भिजवा देते हैं टो करा के। बढ़िया भाई, कल 3 गाड़ियां खरीदी थी, आई मीन कल 3 नहीं ज्यादा खरीदी थी, जितनी भी थी सारी पहुंच चुकी हैं। इतना कह सकते हो आप लोग 10 या 20% शोरूम अपना भरना चालू हो गया है, 3-4 दिन और जाएंगे। बट मस्त पता है क्या चीज है, अपने पास पैसों की कमी नहीं है, अभी भी 1 मिलियन डॉलर है यार। चलो भाई फटाफट से सोते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और आज तो कार मार्केट प्लेस ओपन है। हाँ मुझे मालूम है वहां पर सस्ती गाड़ियां नहीं आती, बट चल के देखने में क्या जा रहा है। फिलहाल एक ये वॉक्सवैगन का पोलो है, गोफ नहीं अलग कार है। 23 तो नहीं, महंगा हो गया, बट एक बारी को कल कोई मेरे को 18 में दे दे तो ठीक है ना, मतलब गाड़ियां भी तो चाहिए यार, क्वांटिटी जल्दी जल्दी चाहिए होगा। 19,000 का प्लीज बेच दे, थैंक यू। एक गाड़ी हमें आज मिल चुका है, पूरा नेबरहुड खरीदना पड़ेगा यार, बजट बनाते हैं। जितनी भी गाड़ियां 18,000, 19,000, 20,000 के आसपास है सारी लेंगे हम लोग। यहाँ पर एक BMW मिल रही है, देखो भाई ऐसी बात नहीं सस्ती ले रहे, BMW भी ले रहे हैं हम लोग। देखो 8,000 की, उसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे डील अच्छी मिली भाई। 7,500 की मैं ले लेता हूँ, $1,000 कम है बस, थैंक यू, बिक गई। ये गाड़ी को मैं रिपेयर के लिए भेज देता हूँ, क्योंकि मैं एक ही गाड़ी चला पाऊंगा एक बार में। अभी क्या है, रिपेयर के बहाने मेरा ट्रांसपोर्टेशन बच गया ना उसका। फिलहाल यहाँ पर आगे एक और गाड़ी बिक रही है, और ये स्कोडा यार, ये स्लेवी आएगा ओक्टा, बट ये सस्ती तो नहीं होगी। 21,000 की दोगे आंटी, वरना मेरे को नहीं चाहिए एक ही बार में। लो भाई रुक जाओ, 27। मैं महंगी गाड़ी भी खरीदने लग गया यार, ये गलत है, पता लगा बाद में पैसों की कमी पड़ गई। चलो फिलहाल इसने गाड़ी बेच तो दिया, बट मैं महंगी गाड़ी नहीं लूंगा यार अभी। बाकी हाँ ये वाली गाड़ी लिया तो इसको लेके चलते हैं। यार इस गेम में ना ट्रक होना चाहिए, जिसके अंदर हम लोग खुद से ही 4-5 गाड़ियां लोड करके ले जा पाए यार, कि गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत झमेला भाई। या तो पता है क्या, एक बेस्ट तरीका ये है जिससे ट्रांसपोर्टेशन टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, कि मैं क्या करूं, ये जो अपना बस स्टैंड है ना यहाँ पर, अरे भैया ब्रेकिंग है क्या है इस गाड़ी में, ड्रिफ्ट देख रहे हो कितनी लंबी लगी है भाई। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ऑफिस जाएं, और जितनी भी गाड़ियां पहले खरीदी इनको ऑफिस के अंदर करते हैं। चलो भाई बैठो इसमें। और एक ना बेस्ट तरीका ये होगा कि मैं यहीं से रास्ता ओपन कर दूं ना ऑफिस का, तो गाड़ी घुमानी। चलो छोड़ो यार इतना भी आलस नहीं करते हैं। ओके तो इसके पीछे एक गाड़ी और ला के लगानी है आराम से, बस डन है, अब मैं ऑफिस के बाहर निकल जाऊंगा। ये देखो
नेक्स्ट कार है सिविक। भाई ये गाड़ी है पता है फास्ट देखने में नॉर्मल से बट स्पीड अच्छी है इस गाड़ी की बाकियों से। तो चलो इस गाड़ी को भी जस्ट इसके पीछे ही लगा देता हूँ। सफाई वाले भैया 2 मिनट के लिए साइड हटोगे आप? बढ़िया। थोड़ी देर ना ऑफिस ओपन कर देता हूँ क्योंकि मुझे ना अपनी फिएट वाली गाड़ी बेचनी है। ये वाली अगर उसका कोई कस्टमर आया अच्छा सा वो गाड़ी निकाल देंगे। ये गाड़ी भी अच्छी है यार, मस्त है। चलो इसको एकदम यहाँ पे पार्क करते हैं। भाई एकदम चिपका चिपका के सारी गाड़ियां लगा रहा हूँ मैं। ये देखो भाई यहाँ से तो फुल भरना चालू हो गया, ऐसा फील आने लगी कि शोरूम में बहुत सारी गाड़ियां हैं। बाकी हाँ मुझे कार मार्केट प्लेस का भी एक चक्कर मार लेना चाहिए फटाफट से। अगर कोई लैम्बोर्गिनी या कोई रेयर कार मिल रही होगी तो मैं खरीद लूंगा सही बताऊं तो। भाई यहाँ पे सुप्रा और पीछे दो, वेट, 3 लैम्बोर्गिनी, 1, 2, 3। भाई मैं तीनों खरीद के बेच दूंगा, बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अपनी कलेक्शन करते रहेंगे बट हाँ दो तो खरीदते हैं भाई। 5 लाख, बाप रे। नहीं 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 2 मिनट रुको, तू बता। एक तो लेके जाऊंगा भाई कुछ भी हो जाए। 3 लाख, हाँ वेरी गुड बॉय। आप बताओ सर आप कितने की बेच रहे हो? 4 लाख, ठीक है मेरे को 2 गाड़ियां समझ आ गए बट मुझे ऐसा लग रहा है इसकी गाड़ी डैमेज्ड है थोड़ी। हाँ रिपेयर तो करवानी पड़ेगी। देख भाई रिपेयर का ना बहुत खर्चा आता है लैम्बो में, इसलिए तू जो तेरी 3 लाख की गाड़ी है इसे 2.5 लाख का बेच दे प्लीज। बिल्कुल नहीं देगा ये। ओ भाई भगा देगा तो मार गए। 2,75,000 लास्ट ऑफर प्लीज बेच दे यार, मेरे को बहुत पसंद है। यस लेट्स गो, बिग की गाड़ी। देखो मैं खर्चा नहीं कर रहा हूँ, फिजूल खर्चे नहीं कर रहे हम लोग। इससे फायदा क्या है मैं भी आप लोग को बताता हूँ थोड़ी देर में। पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा यार इस गाड़ी को बेच के। ये 4 लाख की बेच रहा है, मुझे पता है ये 3,30,000 की भी बेच देगा। अच्छे से बेचेगा भाई, इतना तो नीचे आना चाहिए लैम्बो के मामले में। अरे भाई ज्यादा लोग है क्या? 3,50,000 प्लीज प्लीज प्लीज। यस बिक गई। 2 लैम्बोर्गिनी खरीद ली हमने, अब इसको भिजवा देते हैं टो करवा के। इसको भी टो करवा देता हूँ, ये दोनों गाड़ियां रिपेयर करा के बेचेंगे यार। बाकी अब बारी है सस्ती गाड़ियां खरीदने की, तो यहाँ पे ये है ना अपनी पास हुंडा सीएक्स। भाई अलग ही सस्ती बिकती है। 6,000 की देगा भाई? अरे भाई नहीं दे रहा, 6,800 की दे दे। चल तू भी क्या याद रखे, थैंक यू बिरो। इसको टो करवा देते हैं। नेक्स्ट कार 6,800 की ऑलरेडी सस्ती दे रहा है, इसे 6,000 का ही दे दे। चल लैम्बोर्गिनी के चक्कर में खर्चा तो बहुत हुआ है बट गाड़ियां दोनों बिकेगी, पैसा आ जाएगा। भाई फर्स्ट टाइम हुआ है कि 3-3 लैम्बोर्गिनी बिकने आ रखी है भाई। 10,000 की गाड़ी बिक रही है, 8,000 का ले लेता हूँ। 8,200 में दे देगा, मुझे लग नहीं रहा वैसे। डैमेज है तो दे देना चाहिए बट ऑफर से सेटिस्फाई नहीं है बंदा। 8,600 ब्रो प्लीज। यस लेट्स गो भाई। गाड़ी खरीदने में भी आलस नहीं आ रहा, गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत आलस आएगा। ऑडी मिल रही है भाई, 18,000 का लेते हैं, बिक जाएगा अभी। ओके थैंक यू। नेक्स्ट है ये कोई तो है पता नहीं कौन सा है, ऑडी S4। अच्छा वो S5 था, S4 है ये, और सस्ता है भाई। लाओ 13,500 का, थैंक यू। कहेंगे भाई कौन बंदा है धड़ाधड़ सारी गाड़ियां अकेले खरीदे जा रहा है लाइन से। ये कौन सी है भाई, ये महंगी लग रही है। सस्ती है, 2,400 की बेचते भाई, नहीं 24,000 की, क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके थैंक यू, सब खरीद दूंगा भाई, आज सब खरीद दूंगा। हाँ जी भाई आपकी ये कौन सी गाड़ी है? जो भी है डोज चार्जर फार्जर कितने की बेच रहे हो आप? 18,000, कोई बात नहीं, लाओ मुझे दो आप 16,000 का। ओके थैंक यू। हाँ जी सुप्रा है सर, सुप्रा ले आओ। सुप्रा क्या करूंगा यार बहुत महंगी है, नहीं नहीं सुप्रा के पर पैसा नहीं खराब करना। चलो भाई आज तो जितनी गाड़ियां थी सारी खरीद लिया, एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी को छोड़ गए। बट हाँ अभी सभी गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करना एक अलग लेवल टास्क है भाई। ये ऑडी की तो भाई बैंड बची हुई है इसके टायर्स की। अरे भाई 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 आग निकाल ली है तो कुछ ज्यादा ही। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग वापस से आ चुके हैं शोरूम में, इसको लेफ्ट साइड में पार्क करता हूँ। बढ़िया तरीके से देख रहा हूँ, बेस्ट। ये लगी गाड़ी अपनी, 2 गाड़ियां हो चुकी हैं यहाँ पे। और हाँ ये कस्टमर्स आए इनसे बात करके नहीं गाड़ी बेचता हूँ। अरे भाई जगह ही नहीं है यार गाड़ी बेचने की, खरीद लो भाई कोई। 2,60,000 दे रहा है, आप बताओ मैम 3 लाख की बिक जाएगी? ओ वाओ बढ़िया डील मिल गई, 3,35,000 की बेच देते हैं, बिक जाएगी पक्का बिक जाएगी। नहीं थैंक यू। चलो 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 अभी तो और भी सस्ती सस्ती गाड़ी। अरे लैम्बो ले आओ, रुको रुको लैम्बो को यहीं छोड़ते हैं, लैम्बो रिपेयर पे जाएगी यार। पहले जो गाड़ियां मैंने यहाँ पे रिपेयर पे लगवा रखी है उनको यहाँ से हटवाते हैं। हाँ जी सर आप इसे रिपेयर मारो, ये वाली तो मुझे दे दो, रिपेयर नहीं करवानी मुझे इसकी जगह। हम लोग लैम्बो लाएंगे भाई रिपेयर करवाने के लिए। इसको मैं एक काम करता हूँ लेफ्ट में ही, ये थोड़ी सी जो जगह है ना इसमें पार्क कर देते हैं आराम से। लग जाएगी लग जाएगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आएगी आएगी। बढ़िया भाई आप लोग कह रहे हो मैं करना क्या चाह रहा हूँ भाई आज। ओहो क्या भरा हुआ दिखेगा यार शोरूम जब सारी गाड़ियां आ जाएंगी। हाँ तो ये है अपनी लैम्बो, इसे बेचते हैं रिपेयर होने के लिए। ये भी कितनी डैमेज है वाली, ये कम डैमेज है, इसको पार्क करके बेचने के लिए लगा देता हूँ। ये तो मैं बेचने के लिए लाया हूँ, इसको अपनी कलेक्शन में नहीं रखेंगे भाई, इसको बस यहाँ पे टाइम पास के लिए खड़ी करता हूँ और अच्छे प्राइस में निकाल देते हैं। वेब पेज जितने के लाया था उससे डबल प्राइस में निकालने का काम है अपना। लैम्बोर्गिनी ये रही, अरे नहीं लैम्बोर्गिनी ये वाली 3,50,000 की लाया था, $8,00,000 की डाल देते हैं। चलो बाकी अभी गाड़ियां लाला के पार्क करनी है ना, ये वाली एक। भाई अभी सारी साइड्स कंप्लीट होना चालू हो गई है, बैक साइड थी यहाँ पे भी एक मस्त लाके लगाती है गाड़ी, इंजन ऑफ पार्क। वैसे मैं पता क्या सोच रहा था कि ये वाली जो जगह है ना इसको थोड़ा सा तोड़ के ऊपर के लिए एक लिफ्ट निकाल सकता हूँ मैं, ताकि ऊपर वाले फ्लोर पे जब गाड़ी पहुंचानी होगी तो अपने को बहुत ईजी रहेगा। तो ऑफिस एडिट मोड में चलते हैं हम लोग, उसके लिए ऑफिस क्लोज करना पड़ेगा, कर देते क्या होगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी नहीं यार, अभी तो अपने पास बहुत वो है, कार मार्केट प्लेस पे अपनी बहुत सारी गाड़ी खड़ी है, वहां से लेकर आनी है। नेबरहुड में भी
बहुत सारी गाड़ी खरीदी वैसे तो पहले तो ये करवा दो टो, उसके बाद ये वाली भी टो करवा दो, उसके बाद ये वाली भी टो करवा दो। अब चलते हैं वापस से इन तीनों गाड़ियों को अंदर करने। भाई क्या तेज स्पीड में काम हो रहा है, लेट्स गो। भाई देखो अभी फिलहाल अपना ये जो शुरू में ना थोड़ा सस्ती गाड़ियों से हमें भरना पड़ रहा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी महंगी महंगी गाड़ियां होंगी। चलो यहाँ पे एक और गाड़ी लग गई, वो कस्टमर आ रखा है भाई लैम्बो के लिए। $8 लाख सर, आप इसे 6 की भी ले जाओगे मैं बेच दूंगा। ओ वाओ 6 का तो ऑफर आ गया भाई, $6,70,000 अभी कभी बेचूंगा भाई। $3,50,000 की लाया तो बिक गई भाई, लैम्बो की डिमांड सही है। $1.2 मिलियन हो गए, देख रहे हो स्मार्ट ब्रो। ये गाड़ी मैंने खरीदी इसलिए थी क्योंकि मुझे मालूम है बिक जाती है। अरे यार एक लैम्बोर्गिनी यहाँ पर आई थी, ये रिपेयर हो गई है क्या कार पैनल? यार ये रिपेयर नहीं लग पाई इसे, कोई बात नहीं कल रिपेयर लगवा देंगे। फिलहाल ये गाड़ी वहाँ पे टो करवा देते हैं, इसका इंजन बंद कर देता हूँ, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हाँ तो अभी सबसे पहले जितनी गाड़ियां कल खरीदी थी इसे अंदर करवाना है, फिर चलेंगे सोने। एक गाड़ी यहाँ पे, अभी तो दो और आके लगनी है। बढ़िया भाई देखो ग्राउंड फ्लोर जो है ना धीरे धीरे भरता जा रहा है, आप ध्यान से देखोगे ना ये वाली साइड पे तो बहुत सारी गाड़ियां आके लग चुकी है, इधर बिल्कुल स्पेस नहीं बचा। राइट वाली साइड पे भी बहुत गाड़ियां बची है, बीच में काफी स्पेस बचा हुआ है, तो यहाँ पे भी लाके लगाना, टेंशन नहीं है भाई। देखो अभी सीन क्या है ना, गाड़ियां खत्म नहीं हुई है, बहुत गाड़ियां बची है और अपने शोरूम का ऊपर वाला पूरा फ्लोर बचा है। चलो भाई इस गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर देते हैं, अभी और भी काफी सारी कार है यार नेबरहुड में, इसको तो ट्रांसपोर्ट करवा देता हूँ और अभी चलते हैं सोने। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस, वापस से आ चुका है तुम्हारा भाई। और हाँ आज हमें फिर से दबा की गाड़ियां खरीदनी है बिना टेंशन के। ये कौन सी गाड़ियां, कितने की बेच रहे पहले तो ये बताओ भाई। एक तो पूरे टू, अरे 2000 लाओ 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 लाओ, इसको मेरे को तुम 1800 का दे दो। बार्गेनिंग की देखो आदत है तो कितनी भी सस्ती बेचते मैं बार्गेन करूंगा। चलो इसको करते हैं ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट कार है ये भी कुछ वैसे सी है वैसे तो, फियट 504, ये कितनी सस्ती गाड़ी है भाई, ला दे 2000 की दे दे। बिग गे, लेट्स गो, ये भी ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। पीछे एक एसयूवी खड़ी है भाई, ये तो बिल्कुल फॉर्च्यूनर जैसी लग रही है। हाँ मतलब फॉर्च्यूनर नहीं, कोई तो एसयूवी देखी देखी सी लग रही है। बाकी सस्ती है ये भी, 15 या 16 की तो दे देगा ये, 16 की लेते हैं सीधा। बार्गेनिंग का टाइम नहीं, जल्दी बेच, थैंक यू। पीछे जितनी भी गाड़ियां खरीदी थी वो तो सारी की सारी शोरूम पहुंच चुकी है, बट अब जो लेने वाला हूं इसको पहुंचाने के लिए वो वाली गाड़ियां अंदर करके आनी पड़ेगी। 19,000, थैंक यू। नेक्स्ट कार तो भाई काफी छोटी सी क्यूट सी कार है, फियट मिनी। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अरे ये ज्यादा जगह नहीं घेरेगी ना शोरूम में, अपने को शोरूम भरना है भाई, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए सस्ते में। हाँ जी भाई आप बताओ, 60% नया में चलेगा भाई, सब चलेगा। 9000 है ना, लाओ 7500, बात खत्म। बढ़िया, अरे बिकी नहीं क्या? 7800, डील डन है भाई, डन है, डन है। ओके थैंक यू। ओ भाई 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 भाई, सब खरीदते जा रहा हूँ मैं, ये गाड़ी छोड़ो भाई बहुत स्लो है आज। बाय द वे कार ऑक्शन है तो एक बार वहाँ पे भी चल के देख लेते हैं, क्या पता कोई रेयर कार मिल रही हो तो भाई अपने बहुत ज्यादा मजे आ जाएंगे। और फिलहाल तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत, कितने बजे कार ऑक्शन में टाइम है अभी? गाड़ी कोई नहीं छोड़ने वाला भाई, टेस्ला मिल रही है 60,000। ना ना पैसा ही नहीं हम पे। हाँ जी सर आप बताओ, फियट पेंटा। ओहो कितनी सस्ती बेच रहा भाई तू, 17 की दे दे। नाइस भाई, मैं धड़ाधड़ कितनी सारी गाड़ियां खरीदते जा रहा हूँ, मुझे खुद कोई आइडिया नहीं है। ऑडी S5 15 की भाई, ऑडी बड़ी सस्ती मिलती है यार इस गेम में, ला 14,200 का दे दे, थैंक यू। आज तो भाई लेजिट पूरा नेबरहुड खरीद रहा हूँ मैं, पूरा। एक टेस्ला पीछे छोड़ी है बस। और यहाँ पे राइट में ये कौन सी है भाई, हुंडा है क्या? सेंचुरी NG5 की कौन सी? अरे 50,000 डॉलर, नहीं नहीं हमारे पास नहीं है पैसा। यहाँ पे एक सुप्रा बिक रही है भाई, कितने की बेच रहा है? 40 की दे रहा है तो ले लूंगा, नहीं 68 नहीं है भाई। चलो भाई जितनी गाड़ियां हम लोग खरीद सकते थे आज के दिन हमने खरीद लिया है, बाकी गाड़ियां मैं आज ऑक्शन से खरीद सकता हूँ, वहाँ पर हो सकता है कुछ बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आई हो। फिलहाल अभी जल्दी से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं अपने शोरूम पे और जो जितनी गाड़ियां खरीदी है उसे शोरूम के अंदर करते हैं। बाकी यहाँ गाड़ी अंदर करने से पहले ना कार ऑक्शन में एक बार नजर मार ली जाए कि कौन कौन सी गाड़ी आज आई है बिकने के लिए। रुको रुको रुको, ये तो कोई घटिया सी एसयूवी है यार, आज तो कोई भी अच्छी गाड़ी नहीं है भाई। तो लैम्बोर्गिनी है, सारे चेक हो गए हैं, लास्ट वाले में तो BMW है। छोड़ो भाई सब बेकार है। चलो भाई ये गाड़ी अंदर आ गई है, अब बाहर जितनी खड़ी है उसे भी अंदर करना है यार। यार पता है अभी मैं ना शोरूम को दोबारा से रीडिजाइन करूंगा और नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा ना, जो गाड़ियों का अंदर कराने का गेट होगा ना वो यहीं से कर दूंगा, इतनी ज्यादा मुझे घुमा के नहीं लानी पड़ेगी कोई भी गाड़ी अगर उसे शोरूम के अंदर फिट करना है तो। हाँ सारी लेन कंप्लीट हो चुकी है, अभी यहाँ पर गाड़ी लगाना चालू करते हैं भाई। शोरूम में मैंने बोला है ना भाई, पैर रखने की जगह नहीं होगी सही से, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी भाई। चलो एक ये गाड़ी थी, ये भी यहाँ पे लाके लगा दिया। नेक्स्ट ये कार है अपनी, ये भी लगाते हैं भाई। प्रॉपर ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर कार ना मैन्युफैक्चर होती है, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा गाड़ी खड़ी कर दी है, इतनी ज्यादा स्पेस नहीं बचा भाई। एक एंट्रेंस तो छोड़ेंगे एटलीस्ट चलकर आने के लिए, बाकी पूरा भरूंगा। हाँ तो एक ये एसयूवी बची है, इसको रिपेयर लगा दो सर फटाफट से, और एक लैम्बोर्गिनी भी रिपेयर लगाओ यार, अभी तक हुई नहीं है। जब तक ये दोनों गाड़ियां रिपेयर हो रही है मैं चल के बाकी गाड़ियां लेकर आता हूँ जो मैंने खरीदी है। पता नहीं कहाँ कहाँ पे गाड़ियां खड़ी कर रखी यार मैंने, सही में कार मार्केट में भी अपनी एक दो गाड़ी खड़ी है शायद। ये देखो भाई ये दोनों गाड़ी यहाँ पे खड़े खड़े सड़ रही है, कितनी गंदी हो चुकी है। इसे टो कराते हैं एंड इसको भी टो करवा देते हैं।
नेबरहुड ऑफिस, नेबरहुड ऑफिस ऑफिस. इसको कहाँ पे लगाया जाए? इधर है ना स्पेस यार, सब पाक होएगा. ये लो अभी बची है ये वाली गाड़ी, इसको भी लेकर चलते हैं भाई. सच में बाजार बना दिया भाई आज. हाँ हाँ, इसको लगाया जाएगा इधर, जस्ट इसके पीछे ही थोड़ी सी जगह है, तो यहीं पर इसे पार्क करते हैं बस. अभी भी बहुत सारी कार अपनी नेबरहुड में खड़ी है, तो आज वो लेकर आनी है फटाफट से. ये वाली गाड़ी को ट्रांसपोर्ट कराता हूँ और लैम्बो में बैठ के चलते हैं. रिपेयर हो चुके हैं क्योंकि अभी तो ये बेचने के लिए लगानी है सीधा. भाई वैसे मानना पड़ेगा यार, अगर मैं महंगी महंगी गाड़ी भी खरीद रहा होता ना, मेरे पास पैसा बहुत बचता. क्योंकि अरे 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 निकाल भाई निकाल, मैंने ऑलरेडी एक लैम्बोर्गिनी खरीद रखा है, उसके बाद भी मेरे पास 1.2 मिलियन डॉलर है. इतनी सारी गाड़ियां खरीदी तब भी बहुत पैसा बचा हुआ है. अरे यार इस गाड़ी को ना मैं थोड़ा बाहर भारी खड़े करता हूँ, क्योंकि ये बस अभी बेचनी है, तो इसको अंदर पार्क नहीं करते हैं. इसको लाया तो फटाफट से बेच के निकाल देता हूँ. लैम्बोर्गिनी 270 के लाया था, इसे हम लोग बेचेंगे 1 मिलियन का डालते हैं इसे. भाई बहुत महंगी डाली है, क्या पता बिक जाए भाई. बाकी एक ये गाड़ी है, इसको भी फटाफट से शोरूम के अंदर करते हैं. भाई आज के दिन तो हमने ग्राउंड फ्लोर पूरा ही भर डाला है, ऊपर वाला फ्लोर अभी बचा है, बट ग्राउंड फ्लोर पूरा पैक कर दिया भाई. गाड़ियां ला ला के मैं तो सोच रहा हूँ जो ये वाली लेना है ना, यहाँ पे भी रखते ही है ना गाड़ी, क्या ही करेंगे. ऑफिस ओपन है ना, यस. अब फटाफट से चलते हैं नेबरहुड, जो जो गाड़ी बची है वो लेकर आनी है. 6-7 गाड़ियां तो यहाँ पर भी भाई खड़ी हुई है, तो बैंड बजने वाली है इनको ले जाने में. फर्स्ट हम लोग भेजते हैं टो ट्रक पे, सेकंड वाली भी टो ट्रक भिजवाता हूँ, थर्ड वाली एक सेकंड, ये खरीदी नहीं क्या मैंने? अरे हाँ ये छोटी गाड़ी है ना, ये वाली गाड़ी मैं भिजवाता हूँ रिपेयर वाले के वहाँ. वहाँ से हम लोग मतलब एक तरीके से मैंने टो करवाई है, मैं रिपेयर नहीं करवाऊंगा. ये वाली गाड़ी भी हम लोग टो करवा देते हैं. ओके ना, सारी गाड़ी जा चुकी है, पैसा बहुत है, तो सोच रहा हूँ ले ही लो अभी सुपरा. पहले मेरे को लग रहा था इतनी गाड़ी खरीदूंगा पैसा ही खत्म हो जाएगा, बट हाँ यार अभी है. तो मैं 60,000 की से 58 भाई इतनी महंगी थोड़ी, 58 की बेच देगी क्या? नहीं, 10,000 नहीं कम करेगी. वो बिक गई, वाह. मैंने तो ये गाड़ी बस अपना ऐसे ऑफिस जाने के लिए खरीदी थी, टाइम पास के लिए, पैदल थोड़ी जाऊंगा. अरे ड्रिफ्ट किट है भाई इसके अंदर, ड्रिफ्ट किट है ये देखो, ये पूरी घूमेगी गाड़ी, मजा आएगा भाई इसको चलाने में. देखना तुम्हारा भाई तगड़ी ड्रिफ्ट तो मारेगा, एक्सीडेंट तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा भाई. चलो भाई वैसे भी ऑफिस बंद करने का टाइम हो चुका है, क्योंकि अंधेरा होने वाला है. ये लोग हो ही गया अंधेरा भाई, इसके में बहुत अचानक से रात होती है. बट यार अभी अपने को अंधेरे से मतलब नहीं, अपने को शोरूम भरना है, अपना मेन गोल वो है. और आज के दिन हमने ग्राउंड फ्लोर तो पूरा भर डाला. ओह वेट, लैम्बोर्गिनी के लिए कस्टमर आए हैं. हेलो 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 बॉयज एंड गर्ल्स, लैम्बोर्गिनी क्या 1 मिलियन डॉलर की खरीद रहे हो? 6 लाख दे रही है भाई, आप कितने बेच रहे हो? मतलब कितने दे रहे हो? 6 लाख ये भी भाई, लेट्स गो, बढ़िया डील. आप तो चले गए जी, आप बताओ भाई, कोई जाना मत, मैं बेचने के लिए रेडी हूँ. 7 लाख प्लीज. 6 लाख भाई वेट, इसको बोलता हूँ 7,25,000. मैं जो गाड़ी 2,75,000 की लाया था, वो गाड़ी मैंने 7,25,000 की बेच दी. मेरे पास अभी 2 मिलियन डॉलर हो चुके हैं. मैं इतनी सारी गाड़ियां खरीद चुका हूँ, तब भी मेरे पास बहुत पैसा है अभी तो. पहले क्या होता था, इतनी गाड़ी खरीदने के बाद कुछ बचता नहीं था, बट अभी गेम अलग है भाई. बस थोड़ी बहुत गाड़ी बची है, इसको भी हम लोग अंदर कर देते हैं. और आज के दिन भाई हमने सच में ग्राउंड फ्लोर तो भाई पूरा वॉट लगा दी भाई. जगह ना सच में बची नहीं है भाई अभी. यहाँ पे आराम से ठोक के लगाता हूँ. अरे मैं अभी अटकने लग गया भाई. अरे गाड़ी हिल गई पूरी. थोड़ा सा अच्छे से गैप दे के लगाता हूँ. अच्छा अभी सही है. बेचारा यार ये कह रहा होगा, यार तुम तो गाड़ी खरीद खरीद के लाए जा रहे हो, मैं गाड़ी धो धो के थक गया हूँ. सही में हमने बहुत ही ज्यादा गाड़ियां खरीद ली है. ये बड़ा वाला घटिया सा ट्रक है, इसको भी लेकर चलते हैं, पीछे कहीं लगाते हैं. अरे तो बहुत ज्यादा जगह गिर रहा है, इसको ऐसे टेढ़ा करके पार्क कर दूं क्या? नहीं यार ऐसे ही ठीक है, इसको ऐसे ही पार्क करते भाई. ठीक है थोड़ा सा आगे कर देते हैं, अपने यहाँ पे अंदर आने जाने की जगह भी रहेगी और गाड़ी भी पार्क हो गई. देखिए छोटी वाली कार बची अभी, इसको लगाना है भाई. यार सचमुच में अभी इतनी गाड़ियां हो चुकी है ना, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं हो रही है यार. पर ठीक है तुम्हारा भाई एक्सपर्ट है, जैसे जैसे टिका के मैं गाड़ी पार्क कर ही दूंगा. ये लो हो गई भाई, अभी भी यहाँ पर 2 गाड़ियां लाके मैं लगा सकता हूँ भाई. ये सुपरा बच्ची है भाई, सुपरा को तो मैं एकदम शोरूम के फ्रंट में लगाऊंगा भाई. इस गाड़ी को थोड़ा ऐसे लगा देना, पता तो चलना चाहिए कि कितनी ज्यादा कलेक्शन है अपने पास. अबे भाई ये देखो भाई क्या मस्त सीन कर दिया टेक्नो मोटर्स का. लास्ट अपने पास एक ये छोटी वाली गाड़ी बची है, जो की रिपेयर होने के लिए आई थी बट रिपेयर हुई नहीं है. इसको लेकर चलते हैं. और अच्छी बात है कि गाड़ी है, क्योंकि अभी पीछे ना जगह बची नहीं है, बस इस गाड़ी के लिए समझ लो जगह बची, यही जा सकती है. और कोई गाड़ी तो भाई इधर उधर भिड़ जाती पक्का. चलो भाई लेट्स गो. फाइनली हमने अपने शोरूम का ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा भर दिया है भाई एक एक गाड़ी से. तुम्हें नजर आ रहा होगा भाई कुछ भी जगह नहीं बची है. पता नहीं कितनी कार है, एक बार काउंट करते हैं हम लोग. इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा भाई काउंट करने के लिए भी. रुको 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 रुको, अरे कहां से काउंट करूं? एक आइडिया, मैं ऑफिस एडिट मोड में जाके काउंट कर सकता हूं ना. चलो गाइस अभी जितनी भी गाड़ियां मैंने खरीदी है ना, सारी की सारी काउंट करते हैं. ट्रक से चालू करते हैं. एक ऊपर हो गया 1, यहाँ पर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद है 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 कार्स हैं अपने पास. मैंने निसान GTR भी अभी काउंट नहीं करी है जबकि. बट हाँ यार गाड़ियों का पूरा भंडार इकट्ठा हो चुका है अपने शोरूम के लिए, और अभी भी अपने पास 1.8 मिलियन डॉलर्स हैं. तो आज सिर्फ ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हुआ है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेक्नो मोटर्स का फर्स्ट फ्लोर पे भी पूरा गाड़ियों से भरने वाले हैं भाई. क्या खतरनाक बड़ा
बड़ा कार कलेक्शन हो जाएगा अपने पास। हाँ, इसमें काफी सारी थोड़ी बहुत चिंदी सस्ती गाड़ियां भी रहेंगी, बट हाँ अभी ऐसी रखते हैं, बट नेक्स्ट टाइम प्रॉपर लग्जरी कार कलेक्शन होगा जिसमें सारी गाड़ियां $50,000 की होगी। चलो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार जाके फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 5 लाख लाइक के लिए, तो जाओ फटाफट से नीचे लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऊपर वाला फ्लोर भरेंगे और उसके बाद टोटल कितनी गाड़ियां अपने पास इकट्ठी हो जाएगी मुझे कमेंट्स में बताना। हो सकता है वो 100 की लिमिट भी पार कर दे क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर बड़ा है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ यार, वो 100 की 100 गाड़ियां जब एक दिन बैठ के बेचेंगे तब कितना सारा पैसा आने वाला है। मतलब सारा पैसा into 2-3 times मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बने रहना सीरीज के साथ, मजा बहुत आने वाला है अभी। बाकी यार जो लोग भी चैनल पर न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से जाके फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो क्योंकि इस टाइप की और भी मस्त मस्त गेम प्ले वीडियोस आपको देखने को मिलने वाली है। बाकी आज की वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah.